हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अर्निंग फोलियो में। आज के इस वीडियो में हम किसी कंपनी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम आज चर्चा करेंगे हमारे देश के बजट की, सन 2019 के जो अभी रिसेंटली बजट पेश किया गया है। मिसेज निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री है, उन्होंने जो बजट पेश किया है और हमारे मार्केट ने उसके लिए कैसा रिएक्शन दिया है, क्या कारण है कि हमारा मार्केट इस बजट को लेकर थोड़ा क्रैश हुआ है, इन सारी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आने वाले समय में हमारा मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले और भी एनालिसिस के वीडियो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये सारे वीडियोज आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को अगर हम देखें तो उम्मीद थी मार्केट को कि 30% के बजाय 25% का कॉर्पोरेट टैक्स किया जाएगा, इसमें सारी कंपनियों को इंक्लूड कर लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 400 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनियां या उससे कम का टर्नओवर करने वाली कंपनियों को ही 25% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। हालांकि इसमें बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी, पर बहुत बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस हैं वो इससे छूट जाएंगे। ये बात एक मार्केट को पसंद नहीं आई है और थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन मार्केट ने दिया है। दूसरी बात, एक जो प्रमोटर्स होल्डिंग है हमारे यहाँ, वो 75% है प्रमोटर्स की मैक्सिमम जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स रख सकते हैं अपने पास 75% तक के शेयर वो अपने पास रख सकते हैं। पर अभी सेबी को हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने बोला है कि 75% के रूल को अब 65% पे लाया जाए, और इसके चलते जो भी कंपनियों में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है उनको 65% पर इसको लाना पड़ेगा, अगर सेबी इस चीज के लिए राजी हो जाती है। हालांकि ऐसी उम्मीद है कि इसके लिए कुछ टाइम दिया जाएगा, कुछ एक या दो साल का समय दिया जाएगा, तब प्रमोटर्स को उसको ऑफलोड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग घटेगी तो भी ये एक मार्केट के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का इसमें ये इंटरेस्ट है कि जो हमारे यहाँ पब्लिक है, जिनका शेयर मार्केट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है, तो पब्लिक का एक्सपोजर शेयर मार्केट में थोड़ा ज्यादा हो और थोड़ा लोग ज्यादा जाने शेयर मार्केट के बारे में, और इसके चलते गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लेने की सोची है। बायबैक के ऊपर टैक्स लगाया गया है, ये शेयर मार्केट को पसंद नहीं आया है, क्योंकि अभी जो कंपनियां हैं वो कई बार ऐसा करती थी कि वो डिविडेंड देने के बजाय बायबैक कर लेती थी कंपनी का। डिविडेंड देने के पर उन्हें 15% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था। तो प्रमोटर्स क्या करते थे कि वो डिविडेंड देने के बजाय बायबैक कर लेते थे, और बायबैक करने पर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। बायबैक करने के चलते कंपनी का ईपीएस अच्छा हो जाता था, ईपीएस बढ़ने के चलते शेयर का दाम भी बढ़ जाता था, तो डिविडेंड में पैसा ना देकर शेयर होल्डर्स को शेयर के दामों में ही इजाफा हो जाने से फायदा हो जाता था, और ये सभी शेयर होल्डर्स को, प्रमोटर्स को, सबके लिए एक फायदे का सौदा होता था। पर अब गवर्नमेंट ने बायबैक पर भी टैक्स लगा दिया है, और 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बजाय अब बायबैक के ऊपर 20% का टैक्स लगाया गया है, तो अब ये टैक्स फ्री नहीं रह जाएगा। ये भी मार्केट को पसंद नहीं आया है। और 3% का एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया गया है इनकम के ऊपर, जिनकी भी 2 करोड़ के ऊपर की इनकम है, 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा है, और 7% का एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया गया है जिनकी भी इनकम 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो ये एक एक्स्ट्रा सरचार्ज जिनकी भी ज्यादा इनकम है उनके ऊपर लगाया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि इन लोगों को हमारे देश के निर्माण में थोड़ा ज्यादा भागीदार बनना चाहिए, जिनके पास कुछ ज्यादा पैसा है वो थोड़ा ज्यादा टैक्स दे सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो कि शेयर मार्केट को उतने अच्छे नहीं लगे हैं। शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। हालांकि अभी बैलेंस मोड में मार्केट चल रहा है, और जब ये बजट आया था तब लगातार 500 पॉइंट्स और 700 पॉइंट्स मार्केट टूट रहा था। तो आइए अब चर्चा करते हैं कुछ पॉजिटिव बातों की, जो कि हमारे इस बजट में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीजें थी। हमारी इकोनॉमी को गवर्नमेंट का टारगेट है 2020 तक $3 trillion की इकोनॉमी बनाने का, और आने वाले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी को $5 trillion तक की इकोनॉमी ले जाने का हमारा टारगेट है।
अभी फिलहाल रेलवे के ऊपर हमारी सरकार का फोकस है, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, हाईवे, इन सारे जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम कहें तो अभी बहुत ज्यादा फोकस हमारी सरकार का है। और रेलवे को इस साल हम देखें तो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल आउटले अच्छा मिला हुआ है, 1.6 लाख करोड़ का आउटले मिला है, जो कि पिछले साल 1.48 लाख करोड़ का था। और 2030 तक रेलवे को 50 लाख करोड़ रुपए जो है वो मिलने वाले हैं रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए और रेलवे को और बेहतर बनाने के लिए। इसी के साथ गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उसके ऊपर टैक्स को रिड्यूस कर दिया है। अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उस पर 12% का टैक्स था, जो कि अब 5% पे ले आई है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि पेट्रोल पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ज्यादा यूज हो और ज्यादा प्रमोट हो। इससे हमारे पोल्यूशन में भी कमी आएगी और हमारी पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। फिस्कल डेफिसिट जो है हमारी 3.3% पर रखी है गवर्नमेंट ने, जबकि अभी जो हमारा इंटरिम बजट पेश किया गया था उसमें 3.4% का इन लोगों का एक एस्टिमेट था कि 3.4% की फिस्कल डेफिसिट हमारी रहेगी। 70,000 करोड़ दिए गए हैं पीएसयू बैंक्स को, तो बैंक्स जो है वो क्रेडिट अब थोड़ा ज्यादा दे पाएंगे, लिक्विडिटी मार्केट में थोड़ी ज्यादा आएगी, उसके चलते हाउसिंग की जो इंडस्ट्री है और या लोन कार लोन है या जो भी लोन वाले जो भी क्रेडिट के लिए जो भी इंडस्ट्री है उन सबको फायदा पहुंचेगा इस इनिशिएटिव से। आरबीआई ने अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है वो भी अब आरबीआई के अंडर आएंगी। अभी जो है वो नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर आती थी, पर अब वो भी आरबीआई रूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, एक रेगुलेशन थोड़ा ज्यादा सख्त होगा इन कंपनीज के ऊपर भी, तो ये एक अच्छी चीज हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की। तो ये थे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमारे बजट के, मार्केट ने जैसा इनके लिए रिएक्ट किया है। तो ये बजट हम कह सकते हैं आने वाले 2 या 3 साल में इकोनॉमी को देखते हुए बनाया गया है और ये एक अच्छा बजट है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात है तो 2009 में भी ऐसा ही एक रूल आया था, तब हमारे यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग 85% की हुआ करती थी, तब इसको 75% पर लाने की गवर्नमेंट ने बोली थी और तब ये 75% पर आया। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कंपनी प्रॉफिट की कर रही है, जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है, उसके शेयर के प्राइस को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रमोटर्स की होल्डिंग घटे या बढ़े उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, बायबैक के ऊपर जो टैक्स आया है वो एक कंपनियों को थोड़ा पसंद नहीं आएगा, लेकिन हम ओवरऑल कह सकते हैं ये एक अच्छा बजट है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।